हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं गाइस आप लोगों के लिए एक 12 वोल्ट का चार्जर होता है पंप वाला, उसे रिपेयर करके सिखाऊंगा कैसे करें। आप लोग इसे घर पर रिपेयर कर सकते हो, आपने कभी किसी और वीडियो के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोग इजी से ही अपना जो चार्जर के लिए रिपेयर कर सकते हो बोल को, वो भी मुफ्त में। तो मैंने इसे कैसे किया और आप भी कैसे इसे कर सकते हो, तो इस वीडियो को लिए हमारे एंड तक जरूर देखें। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। तो आपके लिए इसी प्रकार से अपने अडाप्टर के लिए चार्जर के लिए उसे खोल लेना, और उसके बाद आप लोगों के लिए उसमें चेक करना कि आपके जो अडाप्टर है उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से आप पास जो देख सकते हैं कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं गज आप लोगों के लिए कमेंट कर देना। अगर कोई नई प्रॉब्लम हो तो इसमें मेरे जो अडाप्टर में प्रॉब्लम हो, कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, तो इसका जो कैपेसिटर था वो आप भी देख सकते हो गज इस प्रकार से उसका जो कैपेसिटर वो फूल गया। मैंने इसे गज किसी पेचकस के मदद से पिचका कर इसे चेक करके देखा तो ये मेरा नहीं चला, तो हम इसे चेंज करेंगे और दूसरे जो कैपेसिटर के लिए डालेंगे इसमें। तो गज आप लोगों को देख लेना कि किस प्रकार से इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है और माइनस प्लस जो कैसे करें पता कर सकते हो आप लोग अपने कैपेसिटर की। तो आपके लिए अपना जो कैपेसिटर है उसे निकाल लेना, जो जो आपके जो अडाप्टर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे कैपेसिटर के लिए आप लोगों के लिए भाल निकाल लेना इसी प्रकार से आयरन से अच्छी तरह से, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद आप लोगों के लिए उसमें दूसरा जो है कैपेसिटर लगाने के बारे में बताऊँगा कि आप लोग कहाँ से दूसरा कैपेसिटर निकाल सकते हो। तो आपके पास भी कोई भी पुराना जो अडाप्टर पड़ा हो उसमें से आप लोग उसके लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो गज आप लोग अपने मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। इसी प्रकार से देख सकते हो जो मेरा कैपेसिटर है 4.7 का है ये, और गज 400 वोल्ट का। तो इसी प्रकार से आप लोग इसमें इतने ही वोल्ट का और इतने माइक्रो फेरेट का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग नेकात कम ज़्यादा भी यूज कर सकते हो कि गज आपकी वोल्टेज है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैं अपने दूसरे कैपेसिटर के लिए दिखा दे रहा हूँ आपके लिए किस प्रकार से मेरा दूसरा कैपेसिटर। तो गज आप लोग देखते तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से दूसरे कैपेसिटर का जो वैल्यू है सेम होना चाहिए। इसी प्रकार जिस प्रकार से आपका जो कैपेसिटर जो खराब हुआ है उसी वैल्यू का आप लोगों के लिए दूसरा कैपेसिटर लगा देना इसी प्रकार से। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है कैपेसिटर हमारा उसी प्रकार का जो है लगा हुआ है। इसके बाद मैं आपके लिए बता दूंगा इसमें जो माइनस माइनस, तो आप जो देख सकते हैं जो लाइनर वाला जो है हमारा पॉइंट है वो माइनस का है, और जो प्लस वाला है वो गज इस तरफ का है। तो मैं इसमें मार्क कर दूंगा, अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो डायग्राम भी दे दूंगा। इसी प्रकार से जो आपका ब्रिज एक्टिफायर जिसमें माइनस है उस तरफ माइनस की लगेगी, और जिस तरफ प्लस क्या उस तरफ प्लस का लैग लगेगा कैपेसिटर का। अगर आपके जो अडाप्टर में कोई भी प्रॉब्लम और आती है तो गज आप लोग इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसे से रिलेटिव रेजिस्टेंस से कोई भी दिक्कत हो, जो है हमारा जो बैटरी प्रॉपर चार्ज ना कर रहा हो, तो गज कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप इसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं गाज उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आज आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो मैंने अपना कैपेसिटर जो डाल दिया इसमें, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम और आती है ब्रिज एक्टिफायर अगर ख़राब भी होता है तो हमारा ब्रिज एक्टिफायर जो शॉर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम के लिए चेक कर सकते हो, उसमें पता कर सकते हो कौन सी प्रॉब्लम। अगर गाज नहीं समझ में आती तो गाज आप लोग इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं गाज आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। तो गाज अगर आप लोगों के लिए हमारी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए पहले मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।